की जय। श्री पद्यावली की जय। श्री नताय गौर हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधारमण हरि वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनोद्यास यस्यास्य कमलगतं वाग्मय ममतं जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गाद नवलक्षण लक्षतनु श्रीकृष्णाक्षं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकुर्गोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथानुवितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण मदन सहगण ललता श्री विशाखान्विता आजानुमित भुजौ कनकावदात संकीर्तन कपितरौ कमलायताक्ष विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंदयुगलं यस्मिन् कुरंगी दुर्जान वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली ग्रंथ अभिज्ञ शक्ति संपन्न महापुरुषों के द्वारा पूर्व में रचित जो कालजयी काव्य जीवों का कल्याण करने वाले सार्वकालिक उपयोगिता के जो काव्य उन काव्यों के दिव्य रत्नों का श्री रूप गोस्वामी पाद ने संकलन किया एक अपनी दृष्टि से और उन महापुरुषों की जो काव्य की प्रेरणा उस प्रेरणा का यथास्थान उन्होंने अपने काव्य में भी प्रयोग किया ये उसकी विशेषता है। इनमें श्री नाम की महिमा श्री कृष्ण कथा की महिमा का गायन करने के बाद में अब श्री कृष्ण ध्यान इनके चार श्लोक संकलन किए जिनमें दो श्लोकों का पूर्व प्रसंग में यहाँ पाठ किया जा चुका है। आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण ध्यान के जो श्लोक हैं उनको ही कह रहे हैं। चित्त की जो एकाग्रता है उसका नाम है ध्यान। श्री कृष्ण के रूप का ध्यान रूप माधुर्य
उसका आस्वादन कर रहे हैं, अपने नयनों से उसका दर्शन करके हृदय में उसका रूप ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आर्या छंद है और श्री पुरुषोत्तम देव की ये रचना है। अधरे विनिहित वंशम चंपक कुसुमेन कल्पितो तंसम विनितम दधान मंशम वामं सत्तम नमामि जित कंसम। क्या अनुप्रास और जो अंत्य अनुप्रास है उन अंतिम अंगा अंत वर्णों में अनुप्रास का परम सुंदर प्रयोग। प्रारंभ में भी अनुप्रास होता है, वर्ण सामने कहीं भी हो वहां पर अनुप्रास हो जाएगा, परंतु यहां पर हर जगह अंत में जो अनुप्रास है अंत अनुप्रास उसका बड़ा सुंदर प्रयोग है। अधरे विनिहित वंशम जिन्होंने अपने अधर पुट पर विनिहित वंश सुंदर वंशी उसको स्थापित कर रखी है, अधर पर जो वंशी बजा रहे हैं वंशी रखे और वंशी बजा करके जगत को प्रेम का आह्वान दे रहे हैं, प्रेम का दान दे रहे हैं और प्रियाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। कभी लौटते समय जिस समय श्याम सुंदर वंशी बजाए उस समय विरह से व्याकुल गोष्ठी के जितने भी निवासी हैं उनको सूचना दे रहे हैं, घबराना मत, ये मैं आ गया हूं आ गया, ये वंशी के द्वारा गोष्ठी में सूचना दे रहे हैं। कदम टेर के ऊपर पहुंचकर वहीं से टेर लगा करके कि हियो हियो आगे आगे हम यहां आ गए हैं घबराना मत, ऐसा कहकर के भी जहां टेर देते हुए विराजमान या वंशी बजाते हुए विराजमान। रास के समय वंशी श्री वृंदावन वंशी भट्ट पर, लौटते समय जो वंशी वो कदम टेर पर, मध्यान्ह काल में वंशी वह गैयाओं को जल पिलाने के लिए एकत्रित करने के लिए अनेक अनेक बार वंशी। तो अधरे विनिहित वंशा और चंपक कुसुमेर कल्पितो तंसा, चंपा के जो श्री प्रिया जी की अंग कांति की स्मृति दिलाने वाला है, अंग कांति के अनुरूप है, ऐसे चंपा के पुष्प बिल्कुल श्वेत जो चंपा का पुष्प है उस चंपे के पुष्प से जिन्होंने कल्पित उत्तल अपना मयूर मुकुट उनको धारण कर रखा है, अर्थात श्री मस्तक के ऊपर मयूर पाग, उस पाग के पेचों के साथ में, पाग जहां घूम रही है उसके पेच के साथ में जहां सुंदर जो चंपे के पुष्प हैं वो चंपे के पुष्प उन्होंने उरस रखे हैं, उसमें खोस रखे हैं। और विनतम दधान मंशम और वंशी बजाते समय जिनका बाया कंधा कुछ झुक रहा है, अंकुता भी हो जाती है श्री प्रिया यदि कंधे के ऊपर हाथ रखें तो जब कंधा झुका रहेगा तो कोमी की जो समानता है उसमें कंधे की स्थिति होगी, प्रिया को अपनी कपोड़ी कोनी टिकाने में सुविधा रहेगी। इसलिए वंशी बादल में वैसे भी बाम कपोल को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे तो बाएं कंधा झुका हुआ होगा ही, और उस समय प्रिया जो है उन प्रिया ने भी काचित रास पर श्रांता पार्श्वस्थ से गला भूता है जग्रह बाहुना स्कंधम श्लेषक वलय बलेगा। श्री प्रिया नृत्य करते करते अपनी दक्षिण जो भुजा है वो दक्षिण भुजा श्री श्याम दक्षिण कोहनी वो श्री श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर टिकाती है, कभी गर्मियां देकर के विराजमान होती है श्लेषक वलय बलेगा। जिस समय श्री प्रिया रास में पधारी थी श्रृंगार करके उस समय कई मल्लिका की कई
चूड़ियां धारण कर रखी थी, अनेक चूड़ियां थी, अनेक वलय थे, क्योंकि मल्लिका और उस समय वो पुष्प जो थे वो खिले हुए थे और खिले होने के कारण उनका एक बड़ा मोटा पाटला सा बन गया था। कई चूड़ियां अलग अलग नहीं दिख रही थी, वे सब मिलकर के एक पाटला बन गई थी। परंतु अब जब रास किया तो रास करते समय वो जो कई चूड़ियों का जो समूह था, जो पाटला बन गया था, वह चूड़ियां अलग अलग हो गई हैं और श्लथन वलय मल्लिका, वलय की जो मल्लिकाएं हैं वे श्लथ होकर के अलग अलग दिख रही हैं। जब आई थी उस समय नृत्य करते समय खिले होने के कारण पुष्पों के वो एक कोई वलय दिख रहा था, परंतु तो अब अनेक अनेक वलय दिख रहे हैं, अलग अलग चूड़ियां दिख रही हैं। तो बुद्ध श्री किशोर की शोभा, और यहां पर श्री श्याम सुंदर जो है उन्होंने भी अपने कंधे को नीचे झुका रखा है। श्री प्रिया बहाना बना करके कि मैं थक गई हूं, तत्वतः श्याम सुंदर को अपनी भुजमाल धारण करानी है, इसलिए निकट आती है श्याम सुंदर के, इसलिए कि प्यारे को माला धारण करा सके, भुजमाल धारण करा सके। परंतु बहाना बनाती है, थक गई हूं, ऐसा अपने थकने का बहाना बनाकर उस बहाने से श्री श्याम सुंदर उनके कंठ को ग्रहण करती है और श्याम सुंदर के कंधे का सहारा लेकर के विराजमान होती है। तो विनतम दधान मंशम, जहां झुके हुए कंधे उनको जो श्याम सुंदर धारण किए हुए हैं, बाया कंध, श्याम सुंदर का बाया कंधा झुक रहा है, जिसके ऊपर श्री प्रिया अपनी दाहिनी कफोड़ी कोनी उसको स्थापित कर सके, और बहाना बनाती है जैसे श्रमित हैं, परंतु तत्वतः भाव के आवेश में ही प्यारे के कंठ को ग्रहण करती हैं, भाव के आवेश में ही प्यारे के इस कंध के ऊपर अपनी कोहनी रखते हुए, कुहनी रखते हुए वे विराजमान हुए। तो विनतम दधान मंशम, बाहू अपने बाएं कंधे को नीचे झुकाए हुए हैं। सप्तम नमामि जित कंसम, ऐसे कंस को जीत लेने वाले उन श्री श्याम सुंदर को हम प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो अंतिम अंतिम उपरास है उसका बड़ा सुंदर प्रयोग है, अधरे विनयम वंशम चंपक कुसुमेन कल्पितम उत्तरसम, और ककार की सुंदर अनुमति चंपक कुसुम कल्पित इसकी अनुमति है। विनतम दधान मंशन, सुंदर जो कंधा है उसको बाएं कंधे को झुकाए हुए जो जित कंस हैं, कंस को जीत लेने वाले हैं, उन श्री श्याम सुंदर की जय हो जाए। सुंदर शोभा प्रिय प्रियलाल की और श्री किशोरी जी उनसे आलिंगित होकर के श्री कृष्ण इस प्रकार दे रहे हैं। अब एक अंग श्याम सुंदर की जो छवि है उस छवि का वर्णन कर रहे हैं। छवि का तात्पर्य है जहां एक भंगिमा स्थिर होकर के विराजमान हो जाए उसको कहते हैं छवि। गति में अनेक भंगिमाएं क्रमशः चलती हैं, पर छवि में कोई एक भंगिमा वह हृदय में बस जाती है, उसका नाम है छवि। तो एक अद्भुत जो छवि, उस छवि का वर्णन कर रहे हैं। व्यत्यस्त पाद कमलम ललित प्रभंगी सौभाग्य मंस बिरली कृतकेश आसन पिछाव कंसम उर्वी कृत वंशमालम अव्याज मोहन मपई कृपा विशेषण, उन श्री श्याम सुंदर को प्रणाम है। अव्याज मोहन मपई कृपा विशेषण, मैं श्री मोहन की उपयोगी माने शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। श्री मोहन कैसे हैं, श्याम सुंदर कैसे हैं, मदन मोहन
व्यत्यस्त पादकमलम लय तत्र हम, जिन्होंने अपने चरणों को अदल बदल करके रख रखा है, अर्थात दाहिनी ओर बायां चरण और बाईं ओर दाहिना चरण, ऐसे जिन्होंने रख रखा है। अपने बाएं जंघा के ऊपर दक्षिण जंघा को कहीं रख करके जो बैश बजा के विराजमान है, कहीं रस की रीति भी है कि जहां रस का विस्तार करना होता है वहां पर दाहिना चरण आगे बढ़ाया जाता है शास्त्र में, और जहां किसी का विध्वंस करना हो वहां बायां चरण आगे बढ़ाया जाता है। मिलिट्री जब चलती है तब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट पहले, पर जब वधु प्रवेश करती है घर में तो उस समय दाहिना चरण पहले, ये रस की रीति है। तो सुख का परमेश्वर करने के लिए दक्षिण चरण जो है उसका प्रथम विन्यास है धर्मशास्त्र में, और धर्मशास्त्र में किसी का विनाश करने के लिए वहां पर वाम चरण जो है उनका पहले विन्यास है, ये सामान्य रीति है। तो यहां पर व्यत्यस्त पाद कमल, चरण कमल जो है उन चरण कमलों को व्यत्यस्त माने अलट पलट करके जिन्होंने रखा है, अर्थात बायां चरण दाहिनी ओर आ गया है और दाहिना चरण बाईं ओर आ गया है, दाहिने चरण को जिन्होंने वाम चरण के ऊपर वाम जंघा के ऊपर रख रखा है। व्यत्यस्त पाद कमल ललित त्रिभंगी, जो परम ललित होकर के विराजमान है, ललित कहते हैं जहां पर भाव नयन अधर नेत्र भौं इनकी जो अद्भुत भाव प्रकट करने वाली चेष्टा है उन चेष्टाओं का नाम है ललित। तो ललित त्रिभंगी उन श्री श्याम सुंदर ने अद्भुत अद्भुत जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को भावों को वे कहीं प्रकट कर रहे हैं। त्रिभंग ललित होकर के त्रैलोक्य मोहन होकर के परम सुंदर होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है। तो व्यत्यस्त पादकमल ललित त्रिभंग और सौभाग्यम अंश विरलीकृत केश पाशम, और जिन्होंने परम सुंदर त्रिभंगी सौभाग्यम, जिनकी त्रिभंग जो रूप माधुरी है वो त्रिभंगी रूप माधुरी उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। व्यत्यस्त पाद कमलम ललित त्रिभंगी सौभाग्यम, ललित त्रिभंगी उनके त्रिभंगी जो स्वरूप है वो त्रिभंगी स्वरूप चाल उसको प्रकट कर रहे हैं। त्रिभंग ललित होकर के जो विराजमान और अंश विरली कृत केश पाश जिनके काक पक्ष कंधे तक फैल रहे हैं, अंश विरली कृत कंधे तक बिखर रहे हैं जहां केश पाश, और पिछाव तरस उर्वी कृत वैष्णव नाम, पिछाव तरस मयूर पुच्छ उसका जिन्होंने अवतंश माने मयूर मुकुट धारण कर रखा है, अवतंश माने सूर्य तो पिंच माने मयूर पंख पंख उसको अवतंश के रूप में सूर्य भूषण के रूप में जिन्होंने धारण कर रखा है, और उर्वी कृत वंश मानव और जिन्होंने वंशी उसको वंशी की नाल को माने वंशी के स्वरूप को अपने अधर के ऊपर रखा है स्वीकार किया होगा। अव्याज मोहनम उन श्री श्याम सुंदर की अव्याज सुंदरता है, किसी कारण के कारण सुंदरता नहीं है, स्वाभाविक हर वस्तु में हर काल हर देश और हर स्थिति में जो सुंदर लगे ऐसे भी श्री श्याम सुंदर परम परम मनोहर होकर के विराजमान है, परम सुंदर होकर के विराजमान है। अव्याज मोहन अव्याज मोहन होकर के वे विराजमान,
बिना किसी दोष के या बिना किसी कारण के स्वाभाविक रूप में ही सुंदर, किसी आभूषण इत्यादि के कारण उनकी शोभा नहीं है बल्कि अव्याज सुंदरता है, बिना कारण के ही उनकी सुंदरता है। सारे सब रूप में जो सुंदर हो ऐसे वे श्री श्याम सुंदर विराजमान, उपयुक्त कृपा विशेष ऐसे श्री श्याम सुंदर जो कृपा विशेष से युक्त हैं उनको उपयोगी, उनकी मैं शरणागति ग्रहण करता हूं, उनकी उपासना करता हूं। उपयोगी निकट एवी माने जाता, उनको सेवा करने के लिए उनके लिए निकट जाता। दोबारा सुनने कि व्यत्यस्त पाद कमलम, जिन्होंने अपने चरण कमलों को परिवर्तित करके विनिमय करके रखा है, बायां चरण दाहिनी ओर आ गया है, दाहिना चरण बाईं ओर आ रहा है, अर्थात बाईं जंघा के ऊपर दक्षिण जंघा को रख करके जो अपने वाम चरण के ऊपर खड़े हुए हैं और दक्षिण चरण जल असत्य का रखा है, उसके अंगुष्ठ को उसके पंजे को ही वैश्य बादल के समय जिन्होंने टिका रखा है, और ललित भंगी परम सुंदर भावों को प्रकट करने वाला जिनका त्रिभंग ललित रूप है, मानो रूप समान ही रहा है, रूप का भाग समान ही रहा है, इसलिए रूप के भाग के कारण तीन जगह से टेढ़े हो रहे ललित भंगी सौभाग्य ऐसी सुंदर त्रिभंगी जिनकी चाल है, और अंश बिंदी कृत केश पाशन अलकावली जहां भ्रमर के समान मुखचंद्र उसके मधु का पान करने के लिए बार बार मुख की ओर आ रही है, कंधे तक बिखर रही है, जहां कमल खिलेगा वहां भोरे अपने आप आएंगे, तो अलकावली वही भोरे के समान चारों ओर आ रही है। और पिछाव कृत वैष्णव जिन्होंने मयूर पुच्छ का अवतंस बना रखा है, और उर्वी कृत वंशनाल जिन्होंने वंशी की वंशी उस वंशी को जो कि जगन मोहन होकर के विराजमान है, मोहिनी वंशी जो 27 अंगुल की है, ऐसी 27 अंगुल की मोहिनी वंशी को जिन्होंने अपने हाथ में स्वीकार कर रखा है, ऐसे पूर्णीकृत पंचनाम पहले 3 अंगुल का शुरू भाग है, फिर इसके बाद में 1 अंगुल का मुख छिद्र है, उसके बाद में 1.5 अंगुल की एक गांठ है वंशी में, फिर गांठ के बाद में फिर 10 अंगुल का अवकाश है मुख छिद्र से लेकर के उस गांठ से लेकर के और प्रथम स्वर छिद्र तक, उनमें 7 छिद्र हैं, जिन 7 जो छिद्र स्वर छिद्र आधे आधे अंगुल के हैं, तो 3.5 अंगुल के स्वर छिद्र हैं, और उन स्वर छिद्रों के बीच में भी आधे आधे अंगुल का अवकाश है, और उसके बाद में फिर 3 अंगुल का शेष भाग विराजमान है। इस प्रकार 29 अंगुल की वो वंशी, 27 अंगुल की ये सम्मोहिनी वंशी विराजमान है। रास के समय ये वंशी 10 अंगुल का अवकाश में होकर के 12 अंगुल का अवकाश हो जाता है, इसलिए उस वंशी का नाम है आकर्षणी वंशी। वंशी 3 सम्मोहिनी आकर्षणी और वंशी सम्मोहिनी वंशी वो 27 अंगुल की, आकर्षणी वंशी 29 अंगुल की, और वंशुनी गायों को दूर से बुलाने के लिए वो वंशी 31 अंगुल की विराजमान, ऐसे श्री श्याम सुंदर की वो दिव्य वंशी विराजमान। रास के समय विशेष रूप से सोने की वंशी है, सोने की वंशी है, गोपचारण करते समय गोपचारण करते समय श्री श्याम सुंदर बांस की जो वंशी है उसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु रास के समय वह स्वर्ण वंशी होकर के विराजमान। उस वंशी में भी पीछे 3 अंगुल
का जो छिद्र भाग है, पुच्छ भाग है, वहां पर एक गंडा है रत्न का, हीरा का, और उसमें नीचे खुदना लगे हुए हैं, और मुखचित्र जो है उसके पूर्व भी एक गंडा है और उसमें भी सुंदर फदना फदे हुए, ऐसी सुंदर उस वंशी की शोभा। तो उर्वीकृत वंशनाम गोचारण के समय आपने वंशी उसको स्वीकार कर रखा है। अभ्याज मोहनम वेशिषा सुंदर, स्वाभाविक रूप में ही मोहन है, क्योंकि ये तो रूप ही ऐसा है कि किमी हो मधुरा मंडलम नाम प्रति नाम, जो मधुर होते हैं उनके लिए कौन सी वस्तु मंडन नहीं हो जाती है। मधुर का तात्पर्य है सर्वकाल सर्वदेश में जो सभी के चित्त को आकर्षित करे उसका नाम मधुर। ये माधुरी की परिभाषा है कि सब काल में सब देश में सभी के चित्त को आकर्षण करने की जिसमें क्षमता हो उसको हम कहेंगे माधुरी। लावण्य कहेंगे जहां अंग के चारों लहर उठ रही हो उसका नाम है लावण्य। क्षण क्षण में जो नवीनता को प्राप्त करे उसका नाम है रमणीय। रमणीय क्षणे क्षणे नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयता। तो यहां पर अपूर्व लावण्य प्रकट हो रहा है। अव्याज मोहनम, ये अव्याज मोहन लावण्य में स्वरूप है। उपयुग कृपा विशेषण, ऐसे कृपा विशेष करने वाले, सबके ऊपर कृपा करने वाले श्री प्रभु उनकी मैं उपयोगी शरणागति ग्रहण करता हूं। ऐसे श्री शांतचंद्र का रूप ध्यान करके अब रूप के बाद में उनके गुणों का नंबर आया, अब गुणों का ध्यान कर रहे हैं, गुणों का स्मरण है। सबसे पहले भगवान के सारे गुणों में दो गुण प्रधान हैं, एक तो भक्त वत्सलता और एक प्रेम के वशीभूत हो जाना, भक्तों के ऊपर कृपा करना और भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाना, ये श्याम सुंदर के दो सर्वोत्तम शुरूभूत गुण हैं, चक्रवर्ती गुण हैं, जिन गुणों के कारण दोष भी गुण हो जाते हैं। अन्य जो दोष हैं 16 दोष, 18 दोष गिने गए, इनमें अष्टादश महादोष ही रहता भगवत्तन हो, भगवत स्वरूप 18 दोषों से रहित हैं, परंतु जहां पर उर्वर कामता और शुष्क रति ये दो दोष भगवान में नहीं है, बाद बाकी के दोष भी भक्तवत्सलता के कारण प्रेमवश्यता के कारण अपूर्व रूप में गुण बन जाते हैं। श्री माधुर कादंबिनी में चक्रवर्ती पाद इस बात का बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं कि जहां शुष्क कामता का तात्पर्य है कि एक अंगी प्रेम या भगवत स्वरूप में नहीं है, कि नायिका तो प्रेम कर रही है, नायक प्रेम कर रहा है, नायिका प्रेम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है, उभयगत प्रेम है दोनों। तो एक तो भगवत स्वरूप में शुष्क कामता नहीं है, शुष्क कामता का तात्पर्य है कि एक पक्षीय प्रेम वह भगवत स्वरूप में कभी भी नहीं है, और एक पक्षीय प्रेम है तो उसका कहीं फल नहीं होगा। जैसे श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके देवांगना मोहित हो रही है, होती रहो, एक पक्ष प्रेम है रस नहीं बनेगा, लक्ष्मी जी मोहित हो रही है, होती रहो, एक पक्ष प्रेम है वो रस उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। तो एक तो भगवत स्वरूप में एक पक्ष प्रेम नहीं है, और एक उल्वल कामता, उल्वल कामता का तात्पर्य है कि जहां मिलन भी कहीं कष्टकर हो जाए, ऐसा कहीं दुखदायी हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति भगवत प्रेम में कहीं भी नहीं है। सर्वदा सर्वदा सुखरूप होकर के ही वह विराजमान है, वह कभी भी अंत में कहीं वृतृष्णा और घृणा इनको उत्पन्न करने वाला, जुगुप्सा इनको घृणा उत्पन्न करने वाला
भगवत प्रेम नहीं है, प्रेम बढ़ते 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 चरम सीमा पर पहुंच करके भी परम परम आनंद रूप होकर के ही विराजमान, और उसकी परिणति कभी भी वितृष्णा में नहीं होती है, जुगुप्सा में नहीं होती है, घृणा में नहीं होती है। एकाएक श्री प्रियालाल भूल जाते हैं कि मिले मिलत मिलत मिलो चाहे, मिले मिलन की भूल, मिल रहे हैं और ज्यादा मिलना चाहते हैं, और मिलते मिलते ही एक क्षण में ही भूल जाते हैं जैसे मिल रहे थे, और कह रहे हाँ अभी तो दर्शन भी नहीं हुआ है, अभी तो श्याम सुंदर आए हैं, मिलते मिलते ही प्रेम की भूल हो जाती है। तो मिलत मिलत मिलो चाहे, मिले मिलन की भूल, मिले रसकवर रंग सा, आए रसकवर परम रंग के साथ में मिल रहे हैं, परंतु प्रतिक्षण बाढ़त फूल, यहां पर प्रीति प्रतिक्षण फूल ही रही है, प्रीति निरंतर निरंतर विस्तार को ही प्राप्त कर रही है, वो प्रीति कभी भी कहीं परिणति जुगुप्सा या घृणा में परिणत होने वाली नहीं है, तृप्ति में परिणत होने वाली नहीं है। अतः आप रसकों ने वर्णन किया आदि न अंत बिहार को, ये जो श्री प्रियालाल का वृंदावन का जो बिहार है, ये बिहार ऐसा है जिसका ना आदि है ना अंत है, वो सदा सदा बढ़ रहा है, बढ़ते हुए ही विराजमान। तो श्याम सुंदर में 18 दोष है ही नहीं, इनमें 2 दोष तो बिल्कुल भी नहीं है, 16 दोष ऐसे हैं, वे यदि भक्त वत्सलता के कारण जुड़ जाएं तो वे ही गुण बन जाते हैं। जैसे मैया के आगे झूठ बोलना, मैया मैंने माटी नहीं खाई, अभी एक दोष है मिथ्या भाषण, परंतु ये ही भक्त वत्सलता में प्रेम वत्सलता में कहीं गुण बन गए। चिंता, हाय मेरे ब्रजवासियों की क्या दशा हो रही होगी, इस दावानल का दर्शन करके, हाय मैं इनकी कैसे रक्षा करूं, और नंद बाबा यदि पुकार रहे हैं कन्हैया अजगर से मेरी रक्षा कर तो दौड़ करके आ जाए, ये चिंता। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर जो हैं उनमें प्रतिस्पर्धा, अरे ये इंद्र हमारे बाबा से अपनी पूजा करवा करके ले जाए, चौथ पूजवा करके ले जाए, इस इंद्र को छोड़ना नहीं, ये प्रतिस्पर्धा। अब ये प्रतिस्पर्धा एक सामान्य मानव का एक गुण है, परंतु दोष है, परंतु वो भी भक्तवत्सलता के कारण परम परम गुण बन जाए। तो चिंता उद्वेग श्रम, अब थकेंगे नहीं तो फिर दासियों को सेवा करने का अवसर कैसे मिलेगा चरण पर लौटने में, तो भक्तवत्सलता के कारण वहां पर थकान है, वहां पर भूख है, वहां पर निद्रा है, तंद्रा है, वहां पर चिंता है, उद्वेग है, प्रतिस्पर्धा है, क्रोध है, मिथ्या भाषण है, सारे जो दोष है वे दोष है, परंतु भक्तवत्सलता के कारण वे दोष ही महामहा स्मरणीय और ध्यान करने योग्य गुण बन जाते हैं। तो भक्त वात्सल्य भगवान का मुख्य गुण है, उसी भक्त वात्सल्य गुण का सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं कि अतन्द्रित चमूपति प्रोहस्तमस्वीकृतम प्रणीत मणिपादुकम किमिति विस्मृतां तत्पुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहतः कर प्रवर गुणते भगवत त्वराय नमः। गजेंद्र ने भगवान को तेल दी, दाह वो गजेंद्र के चरणों को पकड़े हुए हैं, शुरू शुरू में तो गजेंद्र बिल्कुल निश्चिंत है, बोले एक मरोड़ा दूंगा छुड़ा लूंगा पकड़ने दूंगा, तो परवाही नहीं, पर वो दाह को सामान्य नहीं है, अत्यंत अत्यंत बलवान है, उसने गजेंद्र को चरण पकड़ करके जैसे ही खींचा और गजेंद्र जैसे ही कुछ डगमगाए फिसले, जगत की रीति जब तक सुख रहता है चार लोग घिरे रहते हैं, जहां आपत्ति आई सब मैं अभी आता हूं कहकर के किनारा कश्यप, ऐसे ही साथ के जितने भी हाथी वे सब
किनारा कस गए, हाथी अलग, हथनी अलग, छोना अलग, सब छोड़ छोड़ करके चले गए हैं। गजेंद्र गाह दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं। तभी गाह गजेंद्र को घसीट करके किनारे पर ले आए, जल के भीतर ले जाए। तभी गजेंद्र गाह को घसीटते हुए किनारे पर ले आए, पैर से बहुत दबाएं, ठोकर मारे, पर वो गाह गजेंद्र के चरण को नहीं छोड़ रहा है। युद्ध करते करते हजारों वर्ष हो गए। लोग लाज में आकर के बलवान हाथी गजेंद्र की सहायता करने के लिए भी आए, पर केवल दिखावा कर रहे हैं। पूंछ में अपनी सूंड छुड़ा करके, अरे नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, और ऐसे कहकर तल जाए। जो होगा मरता है तो मरने दो, ये जगत की रीति है, जगत का प्रेम ऐसा ही कहीं छल युक्त है। किसी ने भी गजेंद्र की रक्षा नहीं की। गाह जब गजेंद्र को घसीट करके जल के भीतर ही रह ले गया और तिल मात्र सूंड रह गई है, गजेंद्र मन में विचार कर रहे हैं कि ये गाह पाश नहीं है, ये तो काल पाश ही है। और उस समय स्वयं प्रकाश भगवत भक्ति गजेंद्र के हृदय में अपने आप स्फुरित हुई। स्वयं प्रकाश उसे कहेंगे जिसको प्रकाशित करने के लिए उसी जैसी किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता न हो, किसी एक अंग की आवश्यकता न हो और विजाती वस्तु की भी आवश्यकता न हो। न तो कोई विजाती वस्तु रक्षा कर सके, प्रकाशित कर सके, न कोई सजाती वस्तु प्रकाशित कर सके। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे सूर्य की जरूरत नहीं है, सूर्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए यह भी जरूरत नहीं है कि रात्रि होगी तो सूर्य प्रकाशित होगा, ऐसा नहीं है। सूर्य को अपने प्रकाशित होता रहेगा, रात्रि हो या न हो, उसका काम तो तेज को विस्तृत करना है, दिन को ही बनाए रखना है, ये उसका सहज काम है। उसका संपूर्ण स्वरूप सूर्य का वह प्रकाशमय है, अतः ऐसा नहीं है कि सूर्य का एक भाग प्रकाश करता है और सारे भाग प्रकाशहीन है, ऐसा नहीं है। उसका अणु अणु प्रकाशित है। तो जो वस्तु आंशिक रूप में प्रकाशित न हो, जो विजातीय से प्रकाशित न हो, जो स्वजातीय से प्रकाशित न हो, उसको कहेंगे स्वयं प्रकाश। ऐसा जो स्वयं प्रकाश भगवत भक्ति है, गजेंद्र के हृदय में भी अपने आप वह भक्ति उदय हुई। और श्री अगस्त ऋषि के हृदय में शिष्य के प्रति जो करुणा रही होगी, उस करुणा के कारण श्री गजेंद्र ये ही कहने लगे कि महाराज नज जीविषाहम सोहम, मैं जीने की इच्छा नहीं रख रहा हूं। अमेव योनिया, इस इव योनि से, इव माने हाथी, इस हाथी की योनि से, योनि में रह करके मैं जीने की इच्छा नहीं कर रहा हूं कि और अधिक विषयों का भोग करूं, और अधिक भोजन करूं। बड़ा सा पेट है, बड़ा सा मेरा आकार है, ज्यादा भोजन करूं, ज्यादा भोग करूं। इस दृष्टि से मैं अपनी इस हाथी की योनि को बचाए रखना नहीं चाहता हूं। इच्छा में आत्मा वर्णस्य मोक्षम, आपकी जिस माया ने मेरे हृदय को आवृत कर रखा है, इस माया से, इस आवरण से मुझे मोक्ष को प्राप्त करा है। गजेंद्र ने अंत में यही स्थिति वर्णन किया निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, निर्विशेष का, कि आप में जो गुण है वे गुण भक्तवत्सलदार गुण, वे सब प्राकृत गुण नहीं है, वे अप्राकृत गुण हैं। ऐसे अप्राकृत गुणों से युक्त है श्री हरि, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। निर्गुण निराकार इत्यादि रूप में जो वर्णन करना, उसका तात्पर्य है कि आपका आकार प्राकृत नहीं है, माया से बना हुआ नहीं है, आपके गुण सत्वगुण माया से बने हुए नहीं है, आप में क्रिया नहीं है, अर्थात रजोगुण से प्रेरित होकर के प्राण कोई चेष्टा कर रहे हो, ऐसा भी आप में नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, कृपा करें।
तम दुरत्य महात्म्यम भगवंतम इतोस्मि हम। दुरत्य महात्म वाले जिनके महात्म्य की कोई सीमा नहीं है उन भगवान की मैं शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। इत्थम गजेन्द्रपवर्णित निर्विशेषम, इस प्रकार प्राकृत गुणों से रहित श्री भगवान की जब गजेंद्र ने स्तुति की, गजेंद्र की टेर ब्रह्मादेव, ब्रह्मादेव के पास में गई, ब्रह्मा मन में विचार, इंद्र मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये तो उसी हाथी की टेर है जिसको हम पहले देखे आए थे इतने वर्ष पहले, तब से वो अभी तक लड़ी रहा है क्या, परंतु वो हमारा ध्यान तो कर नहीं रहा है कि ऐरावत के ऊपर बैठे हुए हजार आंखों वाले वज्रपाणी देवराज इंद्र पारिजात की माला को धारण किए हुए देवताओं के साथ आकर के हमारी रक्षा करें, वो हमारी तो प्रार्थना कर नहीं रहा है। इंद्र नहीं डरे, गजेंद्र की टेर ब्रह्मा के पास में गई, ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि वो हमारा ध्यान तो कर नहीं रहा है, वो तो ये कह रहा है कि उनके एकांती भक्त धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों को नहीं चाहते हैं, हमको तो अभी तक एक ऐसा भक्त नहीं मिला जो कि धर्मार्थ काम इनसे मुक्त होकर के हमारी आराधना करे, तो ब्रह्मलोक में जो कर्म करके जाएगा वो तो सकाम ही होगा, सकाम कर्म की अंतिम सीमा ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं निष्काम कर्म करने वाला, मोक्ष करने वाला हमारे पास में आता नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं करे। गजेंद्र की टेर शिव के पास में गई, शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि वो तो ये कह रहा है कि एकांत नो यस्य कंचनार्थम बांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना, हमारे शिवालयों में खूब भीड़ है, सुंदर वैभव उसकी कमी नहीं है, भले महमूद गजनबी जैसे कितने भी बार सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करें परंतु नया नया वैसा का वैसा वैभव दोबारा खड़ा हो जाए तो हमारे पास में वैभव की कमी नहीं, हमारे पास में सेवकों की कमी नहीं है, खूब वैभव विराजमान है, परंतु वो तो ये कह रहा है कि एकांत नो यसन कंचनार्थम वांछन्ति, हमारे यहाँ पर तो जो भी आता है वो जलहरी दबाते हुए यही प्रार्थना करते हुए आता है कि हे अवसरदानी भोलेनाथ झोली भर, सब मांगने मांगने वाले आते हैं, बिना मांगने वाला एक भी नहीं आता है। शिव जी भी नहीं डरे, गजेंद्र की टेर जिस समय भगवान के पास में गए उस समय भगवान तो गरुड़ गरुड़ कहकर के उठ करके खड़े हो गए, कोई वैकुंठ भक्त उस समय भगवान का दर्शन कर रहे थे, ये कहने लगे कि प्रभो आज आपको प्रणाम नहीं है, आज आपकी इस जल्दबाजी को प्रणाम है। कैसी जल्दबाजी, उसी का वर्णन कोई दाक्षिणात्य कवि भी वर्णन कर रहे हैं कि अतंद्रित चमूपति प्रेत हस्त मस्वी कृतम प्रणीत मन पादुकम किमित विस्मृतां तत्पुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहतः कल्प प्रवर गुरुते धर्म तत्वराय नमः। भगवान के पास में अतंद्रित सावधान चमूपति सेनापति विराजमान थे, भगवान के सारे सेनापति हैं, चंड प्रचंड कुमुद कुमदेक्ष विश्वक्षे गरुड़ सारे सेनापति विराजमान हैं, और सब ये मन में विचार कर रहे हैं कि अरे एक गाह को ही तो मारना है, एक मगर को मारना है, भगवान हमको आदेश दें अभी जाते हैं गजेंद्र को मुक्त करा देंगे, गाह को मार देंगे, कौन सी बड़ी बात है, परंतु भगवान किसी सेनापति को आदेश नहीं देते हैं, अतंद्र सावधान सेनापति खड़े हुए हैं, परंतु प्रहित हस्तम वे सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, परंतु भगवान ने प्रहित हस्तम अस्वीकृत, उस हस्त को भी स्वीकार नहीं किया, और प्रणीत मन पादुकम
कोई सेवक पादुका लेकर के दौड़ा, बोला अरे मरे पादुका तो धारण कर लो, पंत भगवान ने पादुका भी नहीं पहनी, इतनी जल्दबाजी, किसी सेवक से कहा नहीं, स्वयं ही रक्षा करने के लिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में अपने आप दौड़ पड़े। ये भगवान का सही स्वभाव है। तो प्रणीत मस्त हस्त मस्वी कृतम और प्रणीत मर पादकम, कोई पादुका लेकर के दौड़ा, किमित विस्मृतांतम विस्मृतांतपुरम, परंतु आपने अंतपुर में ही उस पादुका को भुला दिया, भुला दिया, पादुका को भी धारण नहीं किया। पास में गरुण खड़े हुए थे, बोले चलो, गरुण बोले मरे अभी आता हूं, गति तक ही जरा सा कसू, रूखी पीठ है आपको पीड़ा होगी, परंतु श्री भगवान बोले अरे गरुण जब तक तू गद्दी का तकिया कसेगा इतनी फुर्सत किसको है, चल जैसा है वैसे ही चल। और आप गरुण की रूखी पीठ के ऊपर उछल करके बैठे चल, अवाहन परिष्क्रियम, जीन भी कसी नहीं गई है, परंतु पतंगराज मालूम होता, पतंगराज पक्षीराज श्री गरुण उनके कंधे के ऊपर आप चढ़ गए हैं। गरुण मंद विचार कर रहे हैं कि आहा हम वाहन तो हुए, परंतु गरुण वाहन उतना श्रेष्ठ वाहन नहीं है, इस समय यदि हनुमान जी होते तो हनुमान वाहन जैसी ठाकुर जी की सेवा कर सकते थे वैसी सेवा हम नहीं कर सकते हैं, हमारी रूखी पीठ श्री नारायण को कहीं चुभती होगी, परंतु हनुमान जी के चौड़े कंधे श्री रामलला जब विराजमान होते हैं तो चुभते नहीं है, वहां गद्दी तकिया कसने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे ऊपर गद्दी तकिया कसने की जरूरत पड़ती है। तो अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारो होता है, जहां पर बिना जीत कसे रूखी पीठ के ऊपर ही भगवान चढ़ गए हैं, कह रहे जल्दी गरुण पूरा जोर लगा करके चल रहे हैं और भगवान झुझला रहे हैं मन मन में, उच्चार करके भी कह रहे हैं, बोले अरे गरुण आज तेरी दीर्घ सूत्रता ने मेरे भक्त के प्राण लिए, आज तुझे हो क्या क्या है, चल क्यों नहीं रहा है। गरुण पूरे जोर के साथ में चल रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि आहा इस समय यदि हनुमान जी होते तो ठाकुर की को संतोषदायी सेवा दी जा सकती थी, मैं संतोषपूर्ण सेवा दे सकने में भी समर्थ नहीं हूं, हाय मुझ पर कोई सेवा बनती ही नहीं, ऐसे मन मन में क्लेश धारण कर रहे हैं कि वेद में भी बल में भी मैं हनुमान जी के बराबर नहीं हो सकता हूं। ऐसे करप प्रवर वरुण होते, करप प्रवर माने गजेंद्र, उनकी रक्षा करते समय हे प्रभु भगवत त्वराई नमः, आज आपको प्रणाम नहीं है, आपकी इस जल्दबाजी को प्रणाम, ऐसे भगवान की भक्तवत्सलता और उस भक्तवत्सलता में त्वरा उस त्वरा को प्रणाम कर रहे हैं। क्या सुंदर, ये कितनी बारीकी के साथ में भगवान के भाव उसको यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, ये भगवान का सहज जो स्वभाव है उस सहज स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। अतन्वित चमुपति प्रणीतहस्तमस्वीकृता प्रणीत मणपादुकम किमित विष्णुपादुकम, सावधान चमुपति माने सेनापति चंद्र प्रचंड कुमुद आदि जो भगवान के सेनापति हैं उनके द्वारा प्रणीत माने अंजलि बांध करके जो आज्ञा मांगी गई उस आज्ञा को भी अस्वीकृत भगवान ने स्वीकार नहीं किया, किसी की सहायता नहीं दी है। प्रणीत मणपादुकम कोई पादुका लेकर के आया कि किमिति कि मैंने इस पादुका को कैसे भूले आए, विस्मृतांतपुरम ये पादुका तो अंतपुर में ही छूट गई थी, परंतु आपने पादुका भी धारण नहीं की। अवाहन परिष्क्रियम जहां वाहन की गरुण का परिष्क्रिया माने गरुण का जीन नहीं कसी जा रही है, गति तकिया नहीं कसे जा रहे हैं, ऐसे पतंग राज मारो होता उन गजेंद्र के ऊपर श्री गरुण के ऊपर आरोहण करते समय गजेंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान की जो त्वरा है
उस त्वरा को हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी एक त्वरा का स्मरण है, ये गजेंद्र की त्वरा। भगवान को जल्दी दो ही बात बची, या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्र से मोक्ष ले, या वो द्रौपदी की रक्षा करते समय या गजेंद्र की रक्षा करते समय। अब द्रौपदी त्राण के समय श्री द्रौपदी के वचन है, द्रौपदी की रक्षा करते समय द्वैत वन में पांडव वनवास भोग रहे हैं। एक दिन दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास में आए, दुर्योधन ने दुर्वासा का बड़ा स्वागत किया। दुर्वासा जब जाने लगे भोजन करके, दुर्योधन बोला, बोल महाराज जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की, मेरे परिवार के ऊपर भी कृपा करें, मेरे भाई हैं पांडव इस समय वन में भोग रहे हैं, कभी उनके ऊपर भी कृपा करें, परंतु उनके यहाँ पर थोड़ा सा देर होती है रसोई वसोई में, इसे थोड़ा देर से जाऊं। दुर्वासा और निश्चिंत हो गए। जिस समय पहुंचे, युधिष्ठिर ने तुरंत निमंत्रण दिया, बोले महाराज मध्यान्ह का समय है, बड़े अच्छे समय पर पधारे, आइए भोजन करके पठान। दुर्वासा बोले कि राजन ठीक है, हमने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया, पंत हमारी मध्यान्ह संध्या थोड़ी सी रह गई है, बस जरा सा करके यमुना जी में अभी मध्यान्ह संध्या करके हम तुम्हारे पास में आते हैं। और ये तो मध्यान्ह संध्या करने के लिए गए, संध्या और फैल गई, ब्राह्मण को न्योता मिल जाए तब तो निश्चिंत हो जाए, सो संध्या और फैल गई है, भजन और फैल गया। इधर युधिष्ठिर द्रौपदी के पास में आए, पूछ रहे हैं, हे याज्ञसेनी भोजन हुए कि नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा करके उठ करके खड़ी हुई, बोल महाराज अभी अभी भोजन करके चुकी हूं। युधिष्ठिर ने तो दोनों हाथ से सिर ठोक लिया, दुखी होकर के बोले हाय हाय क्यों जी, ऐसी क्या बात हुई। बोले द्रौपदी के पास में सूर्य भगवान का दिया हुआ एक अक्षय पात्र था, उस पात्र की विशेषता ये कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करें तब तक 10,000 क्या 20,000 आ जाए उनका समाधान हो जाए, और द्रौपदी भोजन कर ले तो उसमें कण का भी नहीं बचे। द्रौपदी अभी अभी भोजन करके उठी थी, युधिष्ठिर तो दुखी हो गए, बोले हाय आज ब्राह्मण की गाली खा करके मरना पड़ेगा, भूखा ब्राह्मण नहार के बराबर हो। इतने में ही युधिष्ठिर तो बस मृत्यु की प्रतीक्षा देखते हुए जाकर के एकांत में बैठ गए। सारे पांडव मुंह लटकाए हुए बैठे हैं युधिष्ठिर को घेर करके। द्रौपदी ने किसी से कोई बात ही नहीं की, अपनी पर्णकुटी के द्वार को बंद किया है और आसन लगा करके श्री द्वारकाधीश की स्तुति करने लगी, द्वारकाधीश का कृष्ण का ध्यान करने लगी कि हे श्री द्वारकानाथ इस समय राजभोग का समय है, प्रभु मैं भी आपकी प्रतीक्षा देख रही हूं, यदि राजभोग नहीं अरोगा हो तो यहां आकर के अरोग, यदि अरोग लिया हो तो आचमन यहां करना, यदि आचमन कर लिया हो तो बीड़ा यहां ग्रहण करना। रुक्मणी जी सोने के थाल में राजभोग सजा करके श्री द्वारकाधीश के पास में लाए, आपने तो हाथ का झाला देकर के सरका दिया। बोले रुक्मणी आज तो अपनी मित्र द्रौपदी के घर पर ही हम भोजन करेंगे, मित्र की पत्नी के प्रति भी मित्रता का ही व्यवहार होता है, अर्जुन की मित्रता के कारण द्रौपदी के प्रति भी श्री कृष्ण का वही मित्रता का व्यवहार, अत्यंत स्नेह का व्यवहार, और आप तो दिव्य रथ में बैठ करके दौड़ा दौड़ द्वैत वन में आ गए, ब्रज में आ गए। और जो कृष्ण के रथ को आते हुए देखा, सारे पांडव तो हरे हो गए, उठ करके खड़े हो गए, आप तो किसी से आंख ही नहीं मिला रहे, सीधे द्रौपदी की
पर्ण कुटीर पर पहुंचे, केवड़िया खटखटाते हुए बोले, बोले द्रौपदी केवाह हो, द्रौपदी तो आनंद में डूब गई है, दौड़ करके पट के बाहर खोल दिए, द्वार के ऊपर उस श्याम श्री मूर्ति का दर्शन करते हुए द्रौपदी विभल हो रही है, आनंद में डूब रही है, झरझर अश्वधारा भगवान की उस कृपालुता का दर्शन करके, भक्तवत्सलता का दर्शन करके द्रौपदी के नयनों से अश्वधारा प्रवाहित हो रही है झरझर। भगवान हंसते हुए कह रहे हैं, बोले द्रौपदी दरवाजे के ऊपर ही खड़ा रखोगी, भीतर आने के लिए भी नहीं कहोगे क्या? ऐसे जिस समय कहा, द्रौपदी को अब होश आया, बोले मरे पधारो, आनंद पूर्वक आसन के ऊपर श्री कृष्ण को विराजमान किया और बस मुख निहारे जा रही है। भगवान प्रसंग उठाने के लिए कह रहे हैं, बोले बड़े लोगों ने कहा है कि डाल का टूटा और पंगत का छूटा फिर ठौर नहीं मिलती है, आज वही दशा हमारी हो रही। सामने पड़ोसी हुई, पत्तल छोड़ करके आए हैं, थाली छोड़ करके आए हैं, द्रौपदी बड़ी भूख लग रही है, यदि कुछ हो तो जल्दी से ले आओ, जो है वो ही ले आओ। द्रौपदी बोले हमारे घर में कुछ होता तो फिर आपका ही स्मरण क्यों करती? बोले क्यों? बोले महाराज दुर्वासा को आर्यपुत्र ने इस तरह से नौता दिया है, धर्मराज ने आते होंगे दुर्वासा। भगवान बोले देखो जी दुर्वासा आएगा पीछे, पहले तो मैं सुवासा आ गया हूं, मेरे लिए भोजन ला। बोले मैं कुछ हो तो लाऊं? बोले तुम्हारी वो करामाती भगोनी कहाँ है? बोले मारे वो तो धुबी पूछी चौका बर्तन होकर के ताल के ऊपर रखी हुई है, बोले उसको ही लाओ। भगवत इच्छा उस रंधन पात्र में कहीं न कहीं एक दाना अन्न का और शाक का लगा हुआ था, आपने उसको ही बाएं हाथ से खुर्चा और अपने दाहिने हाथ के ऊपर रख करके आप कह रहे हैं कि मैं विश्वंभर होकर के जब प्रेम से सारे जगत को प्रेम पूरित कर सकता हूं, प्रेम का दान दे सकता हूं तो पेट भर जाए, यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कहकर के भगवान ने पट उस अन्न के दाने को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जो आरोगा है दुर्वासा का तो पेट फूल गया, पेट भर गया है। तृप्तां अमंसते यतस्त्रिलोक्या, संपूर्ण त्रिलोकी को दुर्वासा तृप्त करके मांगने लगे हैं। दुर्वासा घबराए, बोले सुबह से कुछ खाया नहीं और अभी कोई ना कोई आता ही होगा, अब कहां जाऊं? सो दुर्वासा छोड़ करके जो भागे, अब कहीं खाली पेट भागना और पेट भरा हो तब भागा जाए कहीं, सो थोड़ी सी दूर चले फिर बैठ जाए, फिर पसीना पहुंचने लग जाए, फिर पेट का सहारा लेकर के हाँपने लग जाए। भगवान ने भीमसेन से कहा कि ब्राह्मण को नौता दिया है, अरे यमुना जी में गया है, कहीं बरसात के दिन फिसल फिसलू नहीं गया हो, देख के तो आओ कहाँ है, इतनी देर हो गई। भीमसेन बोले महाराज आफत दूर रहे सो ठीक। बोले नहीं नहीं देख के आओ। भीमसेन जो गए, भीमसेन को आता हुआ देख करके दुर्वासा तो और तीतरी तोड़ करके भागे, दंड कमंडल फेंक करके दुर्वासा भीमसेन ने चार डग भर करके ही पीछे से पल्ला पकड़ लिया और बोले मैं भाग क्यों रहे हो, तेरे नौता क्यों माना? अब नौता माना है तो भोजन करना पड़ेगा। बोले ये कहीं हो सकता है भूख नहीं हो, भोजन किया जाए? कह देना युधिष्ठिर से उनके सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, जिन दुर्वासा को भेजा गया था कि ये क्रोधित होकर के पांडवों का नाश कर देंगे, शाप दे देंगे, वे ही आशीर्वाद दे रहे हैं और उल्टा शाप दुर्योधन को ही लगा, उसके युधिष्ठिर के शत्रुओं को ही वह शाप लगा। तो उसी लीला का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि तमस रवि रवोद्यम मज्जताम आप्लवानम प्लव तृषिता स्वाद वर्षी मेघा
तीव्र दुखम अयानम विशद मेव कुशल दात आयात शरण। जिस समय श्री कृष्ण आए रथ के ऊपर बैठ करके, उस समय द्रौपदी और सारे पांडव कैसे प्रसन्न हुए उसका वर्णन कर रहे हैं। जब एक बिंब से काम नहीं चलता है तो उस प्रसन्नता की अक्षयता को दिखाने के लिए अनेक अनेक बिंबों का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है कि तमस रिव रवि इवोद्य। जैसे अंधकार हो और अंधकार के बीच में ही सूर्य उदय हो जाए, तो जैसे अंधकार नहीं रह सकता है, ऐसे ही श्री द्रौपदी के पास में जब कृष्ण आए तो फिर द्रौपदी का दुख नहीं रहा, दुख रूपी अंधकार दूर हो गया। उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है, ये उपमा माला, उपमा का ये भेद है उपमा माला, जहां अनेक उपमाओं के माध्यम से किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए वहां पर उपमा की माला होती है, यहां पर वही उपमा माला है। कि तमस रिव रवि इवोद्य, तमस माने अंधकार में सूर्य जैसे उदित हो गया, अथवा मज्जताम आत्मदानाम प्लवेव, जो जहाज डूब रहे हैं, जो नौकाएं डूब रहे हैं, तो मज्जताम आत्मदानाम डूबती हुई आपलव माने नावों के पास में एकाएक कोई बचाव की नाव आ जाए, तो जैसे आनंद का ठिकाना नहीं है, उस समय रेस्क्यू मिल जाए तो कितना आनंद, सब निश्चित है कि आप डूबना ही है नाव, और उस समय एकाएक कोई नाव बचाने के लिए आ जाए, तो वही कह रहे हैं कि आप्लवानां प्लवेव, जैसे डूबती हुई जो आप्लव जो नदी जो नावें हैं, मज्जताम आप्लवानां डूबती हुई नावों के बीच में कोई एक नाव आ जाए तो उस समय आनंद का ठिकाना नहीं रहे। और तृष्णानां स्वार वर्षी प्रवेगा, कोई प्यास में तड़फ रहा हो और इतने में ही आकाश से सुंदर मीठा जल बरस जाए, तो स्वाद मन मीठा वर्षी को मेघा, मीठे जल को बरसाने वाला मेघ आ जाए तो जैसे आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। और निधि निधान, जिनके पास में कोई धन नहीं है उनको एकाएक कोई खजाना मिल जाए। और तीव्र दुखान अयानाम विषक एवं, तीव्र दुख हो रहा हो और उस तीव्र दुखमय जो व्यक्ति है, आमय रोग में जो डूबे हुए हैं, तीव्र दुख में, तीव्र दुख के आमय में, आमय मन रोग, तीव्र दुख के आमय में रोग में जो डूब रहे हैं, ऐसे लोगों को भीषण एव कोई औषधि मिल जाए। इसी प्रकार कुशल दात आयात शौरी, ये शौरी शूरवंश में उत्पन्न होने वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण आज हम लोगों को कुशल प्रदान करने के लिए आगे आगे ऐसा कहकर के सारे पांडव उठ करके खड़े हुए। दोबारा सुनने तमस रवि एव, अंधकार में सूर्य के समान उद्यत माने उगते हुए सूर्य के समान, मज्जताम आप्लवानां डूबती हुई आप्लव माने नाव, उनके पास में प्लव एव कोई प्लव माने सावक नाव पहुंच गई हो, और तृष्णानां स्वाद वर्षी एवं मेघा, और जो प्यासे जन है उनके पास में सुंदर मीठे जल को बरसाने वाला कोई मेघ हो, और निधनाना जो निर्धन है ऐसे लोगों को एकाएक कहीं खजाना मिल जाए, और तीव्र दुखम आ मयाना
तीव्र दुख देने वाला आमय माने कोई रोग हो और उस रोग को शांत करने के लिए कोई विषक माने औषधि मिल जाए, विषक माने औषधि, कोई औषधि मिल जाए। इसी प्रकार नो कुशलम दातुम आयात शौरी, हमको कुशल प्रदान करने के लिए ये शौरी आ रही है। ऐसे भगवान की भक्तवत्सलता जो सर्वश्रेष्ठ गुण है उसका स्मरण किया और स्मरण करके अब उनके भक्त जो है उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं। सारे भक्तों की जहां नामावली उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सारे नाम को, बहुत सारे चरित्र तो बड़े प्रसिद्ध हैं, परंतु बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं उनके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा, ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ा, चरित्र कहीं मिले भी कहीं नहीं मिले। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद उद्धव विभीषण फालु नादीन पुण्यान परम भागवतान नमा। भक्त नामावली उन भक्तों को हम प्रणाम कर रहे हैं। पुण्यान पुण्य इन परम भागवतान नमा, परम भागवतों को हम प्रणाम कर रहे हैं। इनमें बहुत से भक्तों के जो चरित्र है वो तो प्रसिद्ध है, चार पांच भक्त ऐसे थे कि कहीं मिले नहीं, पर तो गूगल गुरु की गति लेनी पड़े। पुरानी जितनी भी भक्तमाल की टीकाएं हैं और महाभारत का सभा पर हो उनको टटोला तब भी कभी मिल जाए, कुछ के चरित्र कुछ के चरित्र नहीं मिलते, तो अद्भुत अद्भुत चरित्र पंत अद्भुत प्रहलाद सब प्रहलाद जी के चरित्र से सुपरिचित हैं। नारद जी की कृपा उनको गर्भ में ही प्राप्त हो गई और श्री कायाधु मैया ने प्रहलाद को अपने गर्भ में बहुत समय तक लगभग एक मन्वंतर तक धारण किया, चाक्षुष मन्वंतर से लेकर के और वैवस्वत वर्तमान मन्वंतर तक गर्भ में रहे श्री प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का जब चाक्षुष मन्वंतर के अंत में राज्य हो गया और चाक्षुष के बाद में वैवस्वत मन्वंतर आया और राज्य करते हुए वर्तमान मन्वंतर आया और वर्तमान मन्वंतर में भी जब हिरण्यकश्यप का राज्य नातृप्यत अजितेंद्रिय उनको राज्य से संतोष नहीं मिला, कालम बहु व्यति आयो श्री नारद जी निरूपण कर रहे हैं सप्तम स्कंद में, हिरण्यकश्यप को राज्य करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, तब जाकर के इच्छा प्रसवा श्री कयाधुनि ने प्रहलाद का प्रसव किया कि अब इंद्र मेरे बेटे का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है, अन्यथा मां की ममता बड़ी भारी कि कहीं ये इंद्र मेरे बेटे को नष्ट न कर दे। छुप करके है, जब देखा कि इंद्र बिल्कुल निर्वीर्य हो गया है, इंद्र में अब कोई दम नहीं है, तब जाकर के उन्होंने प्रहलाद को प्रस्तुत किया, प्रसव किया। इसलिए प्रहलाद का जहां भी वर्णन आया है वहां 5-6 वर्ष के बालक के रूप में प्रहलाद का वर्णन आया है। तो यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, ये शंका सामान्य तो उठ सकती है कि हिरण्यकश्यप ने कितने दिन तक राज्य किया, 3-4-5 वर्ष बस, तो 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, 6 वर्ष के प्रहलाद जी, 6 वर्ष के मान लो, तो क्या प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने केवल 6 वर्ष तक ही राज्य किया? तो इसका तात्पर्य है नहीं, ऐसा नहीं है। चाक्षुष मन्वंतर से लेकर के वर्तमान जो वैवस्वत मन्वंतर है वहां तक का इसने 100 वर्ष तक तो उसने तप किया, दिव्य 100 वर्ष तक हिरण्यकश्यप ने, तब ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए, फिर उसको राज्य की प्राप्ति हुई और राज्य की प्राप्ति होने के बाद में भी
एक लंबे समय तक हिरण्यकश्यप ने राज्य किया। उसके उग्र शासन से व्याकुल होकर के जितने भी देवता जब भगवान के पास में आए, तब भगवान ने तब भी देवताओं को एक बार लौटा दिया, बोले जाओ, मैं इस समय देवता दैत्यों की वृद्धि का समय है, इस समय तुम्हारी आज्ञा को नहीं, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोले मारे फिर हमारा उद्धार कब होगा? बोले जिस समय प्रहलाद के ऊपर ये तलवार उठाएगा तब ये मारा। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत समय तक शासन किया। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, श्री प्रहलाद की बाल्यकाल से ही भगवत सेवा में अपूर्व रूप से प्रवृत्ति रही, और प्रहलाद के ऊपर जब सब जानते श्री प्रहलाद के चरित्र को, प्रहलाद के ऊपर जब हिरण्यकश्यप परीक्षा करने के लिए प्रहलाद को बुला रहा है, श्री कयाधु मैया ये कह रही हैं कि बेटा, पिता के आगे भगवान का नाम मत लिया कर। परंतु श्री प्रहलाद कह रहे हैं कि माँ क्यों चिंता करती है, सरक्षिता रक्षित यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की वो बाहर भी रक्षा करेगा। श्री प्रहलाद जैसे ही सभा में गए, हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया, और हिरण्यकश्यप उस समय कह रहा है कि बेटा तेरा रक्षक कौन है? उस समय प्रहलाद ने जब नवधाभक्ति का उपदेश दिया, उस समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, और हिरण्यकश्यप जब तलवार लेकर के प्रहलाद को मारने के लिए आए, श्री नृसिंह भगवान ने खम्भ से भी प्रकट होकर के प्रहलाद की रक्षा की। बोलो श्री प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद भक्तों का महात्म्य ऐसा कि भक्त के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान खम्भ फोड़ करके भी श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। फिर नारद, नारद जी उपवर्ण गंधर्व हैं पूर्व जन्म में, परंतु संत अवज्ञा के कारण और सिद्धांत बोध न रखते हुए यदि कृष्ण कथा कही जाएगी तो उसका दुष्परिणाम होगा। विश्वसृष्टाओं ने उपवर्ण गंधर्व को भगवान के गुणों का गायन करने के लिए बुलाया, परंतु एक तो देर से पहुंचे, जो अभिमानी होते हैं वे देर से पहुंचते हैं कि सभा जमी हो तब हम जाकर के बैठे, फिर देवांगनाओं को साथ में लेकर के गए, और कृष्ण कथा कृष्ण लीला का जब गायन कर रहे हैं उस समय कृष्ण लीला में प्राकृतता का विचार कर रहे हैं कि जैसे हम ऐसे ही ये कृष्ण लीला भी है, ऐसा भी विचार कर रहे हैं। तो सिद्धांत के बिना जब मधुर लीला का गायन किया गया, कृष्ण लीला का गायन किया गया, संबंध बोध और संबंध तत्व के साथ में अपने संबंध को स्थापित किए बिना प्रयोजन पदार्थ, अवधेय पदार्थ और संबंध पदार्थ, इन तीनों के ज्ञान के बिना यदि कृष्ण कथा कही जाएगी तो महत अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा, लीला में लौकिकता का प्रवेश हो जाएगा, और लौकिकता का प्रवेश होने पर बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। विशिष्टता में शाप दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो, दासी पुत्र होकर के विराजमान हुए, परंतु संत संग उनके प्रभाव से ही श्री नारद जी को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। शुद्धा साध संग भजन क्रिया अनर्थन वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम भगवत दर्शन, भगवत दर्शन के बाद में भगवत माधुर्य का आस्वाद, माधुर्य आस्वाद में जहां छह मूर्छा प्राप्त कर रहे हैं और छह मूर्छाओं को प्राप्त करते हुए इनके यथा स्थित जो देह है उस देह का त्याग होकर के, यथावस्थ देह का त्याग होकर के फिर इनको पार्श्व देह की प्राप्ति हुई। नारद जी के चरित्र को फिर श्री नारद को कहीं लीला की स्फूर्ति कराने के लिए, भाव सिद्धि कराने के लिए नारदी रूप की प्राप्ति हुई। तो प्रहलाद नारद, नारद के बाद में पराशर, चार नाम ऐसे हैं जिनके चरित्र बड़े कठिन, पराशर
फिर एक पुंडरीक हैं, फिर एक दालभ है, उनका चरित्र बड़ा कठिन है। फिर रूपमानगत, रूपमानगत का चरित्र मिल जाते हैं, परंतु कुछ चरित्र जिनकी यहाँ पर सूची की गई है उनके चरित्र बड़े अद्भुत है। तो प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी व्यासांगुली शिशु शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद उद्धव विभीषण फाल्गुनादि पुण्यादिमा परम भागवता नमा। इन परम भागवतों को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री पराशर जो है वे पराशर आज ब्रह्मा के जो नौ पुत्र हैं उन्हीं की पद्धति में कहीं प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा दस पुत्रों का जन्म हुआ, इनमें नौ तो हुए हैं नौ गोत्रों के आदि ऋषि। जगत के जितने भी जीव हैं वे सब नौ गोत्रों के भीतर ही हैं, इन नौ ऋषियों की ही संतान। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह कृतु भृगु वशिष्ठ दक्षिण और नाथ, ये दस पुत्र ब्रह्मा जी के। इनमें मरीचि को देवभूति जी की पुत्री, ब्रह्मा के तो नौ पुत्र हैं और देवभूति जी की कर्दम ऋषि से देवभूति जी में नौ कन्याएं उत्पन्न हुई। इन नौ कन्याओं का ब्रह्मा के नौ पुत्रों के साथ में विवाह हुआ और उनसे ही नौ गोत्र उत्पन्न हुए और दशम सत्र नारद। दशम कहने का तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग सर्वथा स्वतंत्र है, वो किसी के बंधन में नहीं। अन्य मार्ग कहीं बंधन में है, परंतु दशम का मतलब है सर्वतंत्र स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है, वो किसी ज्ञान और कर्म के अधीन नहीं भक्ति मार्ग, इसलिए दशम का आगे। तो दशमें नारद हुए, इनमें कला मरीचि को ले आई है, अनसुया नाम करके जो पुत्री थी वे अत्री को ले आई, श्रद्धा जो है वे अंगिरा को ले आई है, हवि पुलस्ती को ले आई है, गति पुलह को ले आई, क्रिया कृतु को ले आई, ख्याति भृगु को ले आई, ऊर्जा वशिष्ठ को ले आई। और इन वशिष्ठ के गोत्र में ही कहीं श्री पराशर ऋषि का जन्म हुआ है। नौ में है दक्ष और दस में है नारद, इनमें नारद का विवाह हुआ नहीं, नौ का विवाह नौ कन्याओं के साथ में हुआ है। इनमें वशिष्ठ जिनकी ऊर्जा भार्या थी उनमें महर्षि शक्ति उत्पन्न हुए, इनकी अदिशंति नाम करके पत्नी है, उन अदिशंति में पराशर ऋषि का जन्म हुआ है। उन पराशर ऋषि का सत्यवती जी के साथ में विवाह हुआ और सत्यवती जी के साथ में विवाह होकर के श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। श्री पराशर ऋषि परम भागवत होकर के विराजमान और श्री सत्यवती जी भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के साक्षात अवतार हैं। उन श्री वेदव्यास उन जिनके वेदव्यास नाम करके पुत्र हुए, पराशर जो हैं वो पराशर परम दिव्य ऋषि होकर के विराजमान हैं। उन पराशर सत्यवती जी से सत्यवती पुत्र श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ। जय पराशर सुनो सत्यवती हृदय नंदनो व्यास, नित्य प्रार्थना करते हैं, पराशर ऋषि के पुत्र हैं और सत्यवती के हृदय नंदन सत्यवती के पुत्र होकर के श्री व्यास विराजमान। श्री पराशर ऋषि के विषय में प्रसिद्धि है कि 12 वर्ष तक ये माँ के गर्भ में ही रहे। उस समय जो स्त्रियाँ थी वे इच्छा प्रसवा होती थी, जितने वर्ष चाहें उतने वर्ष तक बालक को रख सकते हैं,
ये इच्छा प्रसवा होकर के वे विराजमान थे। तो 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रह करके ही पराशर ऋषि ने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और इनके द्वारा लिखी गई पराशर संहिता यह धर्मशास्त्र का एक मुख्य ग्रंथ है। आज भी उसी के आधार पर सारे कानून बने हैं और पराशर जो है उनके आधार पर ही वर्णाश्रम व्यवस्था, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पराशर ऋषि धर्मशास्त्र को भक्ति के अंगीभूत बना करके ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जो दुर्लभ कर्म प्राप्य मानसिक दुष्टे न रहा धर्मानुमता कामात्मा भवेत सखल वंचिता वांछिता। जो व्यक्ति मनुष्य देह को प्राप्त करके दूसरों के साथ में द्वेष करे, धर्म का अपमान करे और भक्ति को धारण नहीं करे, वह व्यक्ति पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है, ऐसा इन्होंने उपदेश दिया। और प्रातः निश्चित तथा संध्यान माध्यान्हादि संस्मरण नारायण अवाप्नोति सद्य पाप क्षयान धरा। प्रातः संध्या मध्यान्ह और सायं संध्या में श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए और कर्म को नारायण का अंग बना करके इन्होंने स्थापन किया। इस प्रकार श्री वेद व्यास जी के पिता श्री पाराशर परम भागवत रहे, वेदों के तत्व को जानने वाले हैं और ये श्री महर्षि शक्ति इनके तो पुत्र हैं और वशिष्ठ जी के नाती हैं। वशिष्ठ के नाती शक्ति के पौत्र और श्री पराशर ऋषि जो हैं वे पराशर ऋषि वेद व्यास जी के पिता। इस प्रकार उन्होंने करके रहे और भक्ति का उन्होंने विस्तार किया। अब पुंडरी पुंडरी जी का भी अलग चरित्र है, बहुत सारे चरित्र हैं, उनको यथा समय वर्णन करेंगे। पुंडरीक जी का चरित्र, फिर इसके बाद में पुंडरीक जी का चरित्र, इसके बाद में श्री दालभ्य, उन दालभ्य का सभा पर्व में चरित्र प्राप्त होता है। फिर ये रुक्मांगद, इन रुक्मांगद का भी चरित्र कहीं महाभारत में इनके चरित्र का भी वर्णन किया गया है। एकादशी व्रत इनकी स्थापना करने वाले श्री रुक्मांगद हैं और जिन्होंने एकादशी व्रत की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र का गला काटने के लिए तैयार हुए, परंतु एकादशी का त्याग नहीं किया। ये रुक्मांगद की विशेष रूप से विशेषता है। और श्री दालभ्य जो हैं इन्होंने अनेक अनेक बार श्री युधिष्ठिर महाराज इनको धर्म का उपदेश दिया, ये धर्म की स्थापना करने वाले हैं और पांडवों को भी और यादवों को भी अनेक अनेक बार कृष्ण की महिमा का गायन करने वाले परम भक्त हैं। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को लेकर के जब कृष्ण कौरवों के साथ में युद्ध करने के लिए गए उस समय दालभ्य ऋषि ने ही दुर्योधन को समझाया और कहा नहीं कृष्ण अपने बहनों को तुम अपनी कन्या ब्याह, तब लक्ष्मणा के साथ में विवाह हुआ। इसी प्रकार शंतनु के जो पिता हैं प्रतीप उनको भी इन्होंने दालभ्य ने महाभारत के सभा पर्व में कई उपदेश प्रदान किया। स्यमंतक मणि के प्रसंग में भी श्री सत्यभामा जी का कृष्ण के साथ में विवाह कराने में दालभ्य ने सत्राजित को समझाया और उनका कहीं ये बीच में योगदान रहा। तो दालभ्य ऋषि का इस तरह से कई कई स्थानों पर दालभ्य का योगदान है। और श्री पुंडरीक ये परम भागवत होकर के विराजमान है और इन्होंने ब्राह्मण कुल में विराजमान होकर के सालग्राम नाम के एक स्थान पर श्री नारद जी के सत्संग को प्राप्त किया है और ये उपदेश प्राप्त किया कि भगवान ही श्री नारायण ही परम परम उपास्य हैं और उस उपास्य को जप करते हुए जहां पर ये भजन कर रहे थे अष्टाक्षर मंत्र, यही मुख्य मंत्र है रामानुज संप्रदाय में श्री नारायण मंत्र, प्रणव साहित नारायण में चतुर्थी विभक्ति लगा करके जो मंत्र है वो अष्टाक्षर मंत्र, आठ अक्षर का जो मंत्र है उस अष्टाक्षर मंत्र की महिमा को इन्होंने स्थापित किया और उसके द्वारा इनके जहां रहते थे वहां पर सिंह और हरण भी
एक घाट पर पानी पिए, एक घाट पर रहे और नारायण का स्मरण करते करते सशरीर ये नारायण के स्वरूप को प्राप्त हुए। ऐसे ये सारे भक्तगण, उन भक्तगणों की परम महिमा उनका हम स्मरण कर रहे हैं। गुरु शुद्धानंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण।